नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान अकेडमी क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एम स्थापना ऐप से किस प्रकार हम अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर को बदल सकते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर जाकर तो बदल ही सकते हैं, आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन हम एम स्थापना से बदलना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वेबसाइट को ओपन नहीं करना और ज़्यादा झंझट नहीं होता। तो हम सीधा यहाँ 2-3 स्टेप में एम स्थापना से अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर आसानी से बदल लेते हैं। तो आइए सीखें हम एम स्थापना से किस प्रकार अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बदल सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सर्वप्रथम हम अपने एम स्थापना ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप देखते हैं वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं आसानी से लॉगिन करके हम जब उस इंटरफेस पे पहुँचेंगे वहाँ से आगे की बात हम करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना सब इंटर पासवर्ड कर दिया है और अपना जो है यूज़र नेम और आईडी भर दी है। अब यहाँ से हम करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट। यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे तो कैप्चा के लिए यहाँ पर एक इंटरफेस हमको दिखेगा, देखिए वेरीफाइंग दैट यू आर नॉट अ रोबोट। तो यहाँ थोड़ा सा हमें वेट करना होता है, फिर उसके बाद लॉगिन करना होता है। ये जैसे ही हटेगा उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। देखिए यहाँ से हट गया, अब यहाँ से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे देखिए नए इंटरफेस पर आपको सामने ये लेकर आ जाता है। देखिए यहाँ पर लीव मैनेजमेंट, सैलरी, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नॉमिनी, पर्सनल, सारी चीज़ें यहाँ पर थी, आप बखूबी जानते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ मतलब है यहाँ से लीव मैनेजमेंट से। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ जो रिपोर्टिंग ऑफिसर तो आप बदल लेंगे लेकिन रिपोर्टिंग ऑफिसर आप तभी बदल पाएंगे जब आपकी कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं हो। अगर आपकी रिक्वेस्ट कोई पेंडिंग है तो आप उसको अपने ब्लॉक से संबंधित जो हो उससे अप्रूव करा लीजिए, और अप्रूव कराने के बाद सारी जब कोई भी पेंडिंग ना बचे तभी आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को बदलें, आसानी से यहाँ से बदल जाएगा। और यहीं पे आप देख सकते हैं व्यू लीव रिक्वेस्ट, यहाँ से आपको मिल जाती है कि किस प्रकार अप्रूव करें। तो यहीं से प्रधानाध्यापक अपनी अप्रूव भी कर सकते हैं इस जगह से। तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर की बात करेंगे सिर्फ। तो यहाँ सबसे पहले हमने इसको ओपन किया, सेलेक्ट चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको ओके किया। देखिए यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस नज़र आने लगेगा। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोई भी हम कर लें, जैसे मान लीजिए डेमो के लिए हमने आगरा ही यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर सेलेक्ट लेबल करना है, तो लेबल में ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लेबल में आपको क्या करना है, स्कूल को सेलेक्ट करना है। अभी तक आप ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर को सेलेक्ट करते थे, अब यहाँ आप जो है स्कूल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ सेलेक्ट ऑफिस पूछेगा। सेलेक्ट ऑफिस में क्या होता है, आपके सारे स्कूल के नाम नज़र आते हैं और ये ब्लॉक वाइज होते हैं और ब्लॉक वाइज में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। कोई भी आप इसमें से स्कूल ले लीजिए, जैसे हमने मान लीजिए सबसे ऊपर का ही हमने ये ले लिया आदर्श जूनियर हाई स्कूल, ये हमने ले लिया, यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके नीचे का अगला ऑप्शन हमें दिखाई देगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय। यही पर आपको आपके स्कूल में जितने कार्यरत शिक्षक होंगे उनके सबके नाम ये यहाँ पर दिखाएगा। इसमें से जो आपको आपका हेड या इंचार्ज हो उससे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ पर जो हेड हैं वो जो मनोहर सिंह जी हैं, तो हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप जो है क्या करेंगे, इनको चेंज कन्फर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर्स पर टिक कर देंगे और यहीं से ये चेंज हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी प्रोसेस है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे उम्मीद करता हूँ। और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक भी करिए और अगले शिक्षक बंधुओं तक और ग्रुप में भी शेयर करिए, जिससे सभी शिक्षकों को चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।